अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सधना की मंडी चमारन बस्ती में बीमार लोगों का जायजा लेने पहुंचे डीएम दीपक मीणा। बता दें, सधना के मोहल्ले मंडी चमारन में दूषित जल पीने से बस्ती के लोगों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जो आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। दूषित जल पीने से लोगों को कड़ी हानि पहुंची है और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बीमारों का हाल पूछने के लिए कई दिनों तक तो वहां कोई भी अधिकारी नगर पालिका या नगर निगम से नहीं आया, लेकिन आज जिलाधिकारी दीपक मीणा सधना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और संबंधित मोहल्ला मंडी चमारन का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पहुंचकर जिलाधिकारी ने मरीजों के परिजनों से वार्ता की और मौके पर मौजूद डॉक्टर्स और अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में मौजूद सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। अस्पताल पहुंचे जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि फिलहाल कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है और साथ ही बस्ती के लोगों से वार्ता करते हुए कहा कि आगे किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो, इसके लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जा रही है और साथ ही सीएमओ को भी निर्देश दिया गया है कि इस बस्ती में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स की एक टीम स्थायी रूप से लगाई जाए। देखिए जिलाधिकारी दीपक मीणा की बस्ती के लोगों से वार्ता करते हुए झलक। दूसरी बात, पानी अभी कोई भी इस्तेमाल करेगा, टैंकर आप और बनाने आप और बढ़ा दीजिए, अगर हमें जरूरत पड़ेगी कुछ पाइपलाइन बदलने की या कुछ भी करने की तो हम लोग उसको करेंगे, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पर मीनवाइल अपने मोहल्ले में और ये नहीं किया, ये भी कर लेना। देखिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मीडिया से वार्ता के दौरान क्या कहा। नहीं पीने से लोग बीमार हुए, कितने लोग हैं और अब तक की क्या जानकारी। सर कितने पेशेंट अब तक आ चुके होंगे लगातार, चुके अभी भी पेशेंट आ रहे हैं। देखिए मोर देन 200 केसेस अराउंड हैं, इसमें हर टाइप के केसेस हैं, थोड़े मतलब मीडियम साइज के भी हैं, थोड़े एक्यूट भी हैं, थोड़े ऐसे हमारे लेके ठीक हो जा रहे हैं, हर टाइप के केसेस हैं। बट वी हैव, हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड भी और एक नॉर्मल वार्ड भी मेडिकल पेशेंट्स के लिए रखी है। बाकी हम लिस्ट भी ले रहे हैं कि सभी लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए हैं, तो हम लोग उनसे भी टच में और उनकी भी सुविधा की कोशिश कर रहे हैं कि आज मरीजों के लिए क्या व्यवस्था की है एडमिट करने की, कुछ खास मरीज सी एस सी पे भी हमने डेडिकेटेड बनाया गया है। सी एस सी पे जो लोग नॉर्मल मेडिकेशन और नॉर्मल बॉटल से जो भी हम यूज दे रहे हैं उसके वो ठीक हो जा रहे हैं, मदद पाते हैं, जो भी हमें थोड़ा बहुत सीरियस लग रहा है वहीं पर। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि बेड नहीं मिल रहे हैं, बेड की स्थिति। देखिए ऐसा नहीं है, लगातार हम लोग पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं और कई मैंने अपना नंबर आज भी और पहले भी हम लोगों को दिया है, अगर लोगों से ये भी अपील की गई है, अगर कुछ भी इशू हो, अगर कहीं भी हम पूरी कोशिश करें, पर फिर भी अगर किसी को इंडिविजुअल को कोई इशू हो तो डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके। अभी के लिए इतना ही, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।